नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको पता है कि वहां पे जाकर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है उस बारे में, या आइडिया है पर आप श्योर नहीं हो, थोड़ा एक्सीलेंस चाहते हो, तो पहली बात आपको कंग्रेचुलेशंस कि आप उस भीड़ से हटकर आए हो। आपके साथ इंटरव्यू देंगे बहुत सारे लोग, लेकिन आप उन सबसे अलग हो, उन सबसे खास हो। क्यों? क्योंकि आप इस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हो और आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है इस इंटरव्यू में। आपकी तरह ही जब मैं पहली बार अपना इंटरव्यू देने गया था एक कंपनी में, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं अपने शहर से करीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर में गया इंटरव्यू देने के लिए, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइट था। मेरी 12th जस्ट पास हुई थी और मेरे को पता था कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूंगा। लेकिन जब मैं वहां पे गया, वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, और जब ग्रुप में इंटरव्यू हो रहा था, 6-6, 7-7 लोगों का अलग अलग करके इंटरव्यू हो रहा था, तो हमारा भी ग्रुप का नंबर आया और हम सब भी गए। उन्होंने वहां पे एक एक करके लोगों से पूछना शुरू करा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जब मेरा नंबर आया, तो जैसे उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं एकदम वहां पे ब्लैंक हो गया। उन्होंने कहा, कम ऑन टेल अस। तो मैं फिर चुप, और फिर मैंने एक दो उटपटांग से वर्ड बोले अपने मुंह से, और वहीं पे मेरे को निकाल दिया गया। तो मैं एकदम डिसहार्टेंड हो गया। मेरे को लगा, यार ये क्या हो गया, मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद से अपने सेकंड इंटरव्यू से लेकर मैंने अपनी लाइफ में जितने भी इंटरव्यू दिए, उन सबको क्लियर करता हुआ आगे चलता गया। कभी भी मैं किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक रिसर्च करी, जो रिसर्च मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उस रिसर्च में आपको 100% श्योरिटी मिल जाती है कि आप इंटरव्यू क्लियर कर ही लोगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको 100% ये वीडियो फायदा देगी। पहली टिप है व्हाट टू से। अधिकतर लोग हम में से इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरव्यू में हम क्या बोलें, और वो बहुत ज्यादा ही टेक्निकल चीजें निकालने लगते हैं कि क्या क्या बोलना चाहिए इंटरव्यू में। लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा इंटरव्यू में कि आप क्या जाकर वहां पे बोलें। पहली चीज, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अपना नाम बताना है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि मैंने यहां से स्कूल किया है, यहां से कॉलेज किया है, व्हाटएवर, जो भी आपने क्वालिफिकेशन आपकी है। फिर आपको कुछ अपनी अचीवमेंट्स बतानी है कि फॉर एग्जांपल, मैंने इस चीज में ये अवार्ड मिला है मुझे, मेरे को इस चीज में प्राइज मिला है, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करता था, ये करता था, वो करता था। फिर आपको अपनी क्वालिटीज बतानी है। क्वालिटीज में आप अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बता सकते हो, या अपनी कुछ हॉबीज बता सकते हो। और आप अपनी हॉबीज जो बताओ, जरूरी नहीं है कि आप अपनी रियल हॉबीज बताओ वहां पे जाकर। आप कुछ एक्साइटिंग हॉबीज बताओ जिससे इंटरव्यूअर को सुन के बड़ा मजा आए। आप कुछ ऐसा बता सकते हो कि मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, मेरे को नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है। मतलब अपने आप को आप एक फन पर्सन दिखाओ, आप दिखाओ कि ये पर्सन बहुत ही मजेदार है, तो इंटरव्यूअर आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है जिसने पहले जॉब करी हुई है, तो वो अपना नाम बता सकता है, अपनी हॉबीज बता सकता है, फिर अपना एक्सपीरियंस बता सकता है, फिर क्वालिफिकेशन बता सकता है, एंड थोड़ा बहुत अपने बारे में कुछ बता सकता है। उसके पास प्लस पॉइंट होता है कि हाँ, उसने जॉब करी हुई है। तो पहले आप अपनी जॉब को बताएं, और समझिए अगर आप चाहे फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो, अगर आपके मार्क्स काफी अच्छे आए हैं, तो जब आप अपनी क्वालिफिकेशंस बता रहे हो, तो आप उस टाइम पर कुछ ऐसा भी बोल सकते हो कि मैंने इस स्कूल से, मैंने अपनी 12th करी है और मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए थे, 10th करी है, मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए थे, कॉलेज में मेरे इतने आए थे, ऐसे करके बोल सकते हो। और अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आप उस चीज का जिक्र मत करो। सेकेंड टिप है हाउ लॉन्ग, यानी कि आपके इंट्रोडक्शन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। वैसे तो टेक्निकली कोई भी सेट ड्यूरेशन नहीं होती है कि आपको इतने टाइम के लिए अपना इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए 50-60 सेकंड का यूज कर सकते हैं। लगभग लगभग 1 मिनट तक आप अपना इंट्रोडक्शन दो, और आप अपने इंट्रोडक्शन के कुछ 2-3 वर्जन भी बना के रखो। फॉर एग्जाम्पल, समझिए आप इंटरव्यू देने गए और वहां पे इंट्रोडक्शन आपसे पूछा गया, और आपको लगा कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो थोड़ा बिजी है और बहुत ही जल्दी में है, तो आप अपना 1 मिनट का आप अपना लंबा मत बोलो, आप उसको 30-40 सेकंड तक का बोल दो। तो उसके लिए आप पहले से तैयारी करके रखो, उसका एक वर्जन बना के रखो कि मैं इसमें से क्या क्या चीजें हटाऊं अगर मेरे को 30-40 सेकंड का बोलने को पड़ गया। या समझिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इंटरव्यू लेने वाला बहुत इंटरेस्टेड हो रहा है आप में और वो और सुनना चाह रहा है, तो आप अपना 1-2.5 मिनट का भी एक इंट्रोडक्शन बना के रखो, तो उसके 2-3 वर्जन बना के रखो, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। जब भी हम किसी को पहली बार देखते हैं, उस टाइम पे हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है? उसका नेचर नहीं, उसके थॉट्स नहीं, हमें सबसे पहले दिखाई देती है उसकी लुक। तो इंटरव्यूअर भी आपकी सबसे पहले लुक देखने वाला है। वो देखने वाला है कि अब इंसान दिखता कैसे है, ये कैसे बन के आया है, इसके बात करने का तरीका क्या है। तो इसलिए जो नेक्स्ट टिप हमारी है, वो है ड्रेस स्मार्टली एंड कीप रिलैक्स्ड। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि इंटरव्यू देने आए हैं और जीन्स पहन के आ गए, टी शर्ट पहन के आ गए। देखो, आप अपनी लाइफ में कैसे भी रहो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार कॉल सेंटर गए तो इंटरव्यू ऐसे चले जाते हैं, कॉल सेंटर में कौन सा हमने ड्रेस पहननी है। लेकिन नहीं, चाहे आपने बाद में पहननी हो चाहे ना पहननी हो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी आप किसी भी इंटरव्यू को देने जाएं, उस टाइम पे आप एकदम स्मार्टली ड्रेस होके जाएं। ट्राई करें कि आप फॉर्मल्स में जाएं, फॉर्मल शर्ट हो, फॉर्मल पैंट्स हो, शूज हो, मतलब आप एकदम प्रोफेशनल लगने चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए यही बेस्ट पर्सन है। और आपको रिलैक्स रहना है पूरे इंटरव्यू के टाइम पे।
रिलैक्स कैसे रहें। कई सारे लोग, आपने मेजोरिटी आप देख लो कि करीबन 95% तक लोग जब भी इंटरव्यू देने आते हैं, बैठते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, उनके शक्ल पे बारा बनने लगते हैं, मतलब ओवरऑल उनका कोई खास इंप्रेशन नहीं पड़ता सामने वाले पे। इसलिए आप रिलैक्स हो जाएं, हमेशा रिलैक्स होकर ही इंटरव्यू दें, कूल होकर दें, ये सोच कर दें कि मुझसे टॉप कोई नहीं है, और आप एकदम कूल होकर एटीट्यूड में दें। एटीट्यूड वो वाला नहीं, अकड़ो मत, लेकिन आप अपने अंदर एक ग्रेस जरूर रखो। इंटरव्यू में रिलैक्स रहने के लिए आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू को बार बार प्रैक्टिस करें। सबसे इंपॉर्टेंट, मिरर के आगे देखकर प्रैक्टिस करें। अगर आप शीशे के आगे देखकर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि मैं ये वर्ड बोलते हुए कैसा फेस बना रहा हूँ, कैसे मैं अपनी आंखें बना रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, तो आपको उस चीज़ में इंप्रूवमेंट मिलती है। आप तुरंत अपने आप को करेक्ट कर लेते हो कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूंगा। और अगर आपके जो भाई बहन आपके साथ हो घर में, तो आप उनको बोलो कि मुझसे क्वेश्चंस पुट अप करो, मेरा इंट्रोडक्शन पूछो, मुझसे इस बारे में क्वेश्चन पूछो, तो वो पिन पॉइंट आपको जब करेंगे क्वेश्चंस में, तो आप उस चीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हो। टिप नंबर 4 है, मेक लास्ट लाइंस इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो आप अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बोलो कि जिससे सामने वाला इंटरव्यूअर उस चीज के बारे में क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने आपने इंट्रोडक्शन के लास्ट में कुछ लाइंस में बोल दिया कि मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है और मैंने करीबन 50 बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो सामने वाला एकदम से उसको कुछ अलग सा लगेगा सुनने में कि इसने 50 बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो वो आपसे एकदम पूछ सकता है कि 50 बुक्स आपकी उसमें से कौन सी फेवरेट्स हैं। ओके, फिर आपने उस चीज़ का आंसर दिया, फिर वो आपसे कुछ और पूछेगा उस बुक के बारे में। तो आप कुछ भी अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ बोले लास्ट में, जिससे सामने वाला उस चीज़ पर क्वेश्चन पुट अप करे, और आपको पता हो, आपकी पहले से प्रैक्टिस हो कि हाँ मेरे को इस चीज़ पर क्या बोलना है, तो उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 5th टिप है, बी योरसेल्फ, यानी कि आप अपना इंट्रोडक्शन अपने आप तैयार करें। देखो, मैंने आपको जो टिप्स बताई हैं, जो भी आप इस वीडियो से सीख रहे हो, उसका आप यूज करें अपने इंट्रोडक्शन में, लेकिन आपको आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज बनाएं, हर किसी की तरह रट्टाबाजी ना लगे, ऐसा ना लगे कि हर अगला इंसान आ रहा है और एक ही तरीके की चीजें बोल रहा है, एक ही पैटर्न में बोल रहा है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो। आप अपने हिसाब से अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करो, अपने आप पे रिसर्च करो, अपने आप को समझो, फिर उस चीज पर इंट्रोडक्शन लिखो। लास्ट टिप है, नो योर कंपनी। ये टिप सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी टिप पर आपका इंट्रोडक्शन या आपका इंटरव्यू टिकता है कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। देखो, आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया, आप स्मार्टली ड्रेस होकर गए, इंटरव्यूअर को आप बहुत अच्छे इंसान लगे, लेकिन क्या ये सब इतना इंपॉर्टेंट है? है, लेकिन उतना भी नहीं है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एट द लास्ट एक ही बात होती है कि इंटरव्यूअर अपना फायदा सोचता है, वो सोचता है कि ये मेरी कंपनी के लिए क्या करेगा, क्या ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में नेट पे रिसर्च करो, रिसर्च करो ये कंपनी कब बनी, ये कंपनी किस चीज़ में डील करती है, ये इनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इनका करंट टर्नओवर क्या है, उस कंपनी के बारे में बहुत चीज़ें जानो, और फिर ये जानो कि आप किस चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उस पोस्ट में सबसे अच्छा काम करना क्या रहेगा। तो जब आपसे सामने वाला बंदा कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेगा, तब आप उसमें जिक्र कर सकते हो कुछ रिलेटेड बातों का जो उससे मैच होंगी, उसकी कंपनी से, उसकी कंपनी के गोल से, तो वो एकदम आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा कि हाँ यार, ये इंसान मेरी कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा, ये मेरी कंपनी के बारे में जानता है और ये मेरी कंपनी को आगे ले जाना चाहता है। आप पॉजिटिव होकर रहें। अब एट द लास्ट समझिए, आपका सिलेक्शन हो गया आप कंपनी में, और अब आपकी एक सैलरी डिसाइड हो गई और कंपनी आपको सैलरी दे रही है और आप जॉब कर रहे हो, तो उस जॉब को जॉब की तरह मत करना, कभी भी पैसे के लिए काम मत करना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, उनको महीने का पैसा मिलता है, वो कहते हैं अरे मेरा क्या जा रहा है, कंप्यूटर ऑन छोड़ देते हैं, टिश्यू पेपर वेस्ट करते हैं, बार बार फालतू की एक्स्ट्रा चाय डाल देते हैं कप में और उसको वेस्ट कर देते हैं, थोड़ी सी पीते हैं, ठीक है वॉशरूम जाते हैं तो टिश्यू पेपर की वाट लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जहां भी काम करें, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस कंपनी को, उस जगह को अपना मान के काम करो। सोचो कि मैं इसका मालिक हूं। अगर आप उसके मालिक होंगे, तो क्या आप ऐसी चीजें वेस्ट करेंगे वहां पे? क्या आप अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे? आपको चाहे कोई देखे या ना देखे, आपको अपना काम 100% सच्चे ईमानदारी के साथ करना है हमेशा, तभी आप आगे बढ़ोगे। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो हजारों में एक ही होते हैं, और वही लोग आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि कई एम्प्लॉयज जो बहुत ही बेसिक पोस्ट से आए थे और आखिरी में जाकर कंपनी के सीईओ बन गए, या किसी और कंपनी के सीईओ बन गए, या बहुत ऊंचे पोस्ट पे पहुंच गए, तो वो ऐसे ही एम्प्लॉयज होते हैं। वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता अपनी जॉब में, जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। हमेशा अपनी कंपनी के लिए काम करें, अपनी कंपनी के लिए लॉयल रहें, और आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलनी ही है, चाहे जितनी पॉलिटिक्स हो जाए आपकी कंपनी में। अब आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ये टिप्स कैसी लगी, और अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड कोई और वीडियोस मुझसे चाहते हो, तो भी आप कमेंट करो कि हमें इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपकी इस वीडियो में हेल्प करी, वैसे ही आप और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी। इस वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।